समाहरणालय भवन परिसर में शुक्रवार को स्वच्छ विद्यालय अभियान का शुभारंभ जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर निर्धारित था। कार्यक्रम स्थल उपायुक्त सुशांत गौरव मौके पर पहुंचे तो देखा कि दो वाहन को रथ के रूप में तैयार किया गया है, लेकिन एक वाहन की स्थिति काफ़ी जर्जर है जो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी और कर्मियों को फटकार लगाई, साथ ही दो में एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर चलाया जा रहा है और इसका जो असर है वो जिसको कहते हैं कि वृहद रूप से या कहें कि मल्टीफेरियस इम्पैक्ट देने के लिए किया गया है, ताकि बच्चों के बीच में स्वच्छता को लेकर विभिन्न पहलुओं के आधार पर विकास हो सके। जैसे हाथ धोने को लेकर है, कहीं भी बहुत सारी चीज़ों को हाथ से छूते हैं तो उसको धोने का प्रैक्टिसेस है, या मान लीजिए खाने के पहले, शौच के बाद, इस तरह के बेसिक हाइजीनिक सेंस बढ़ाना, ना सिर्फ ये चीज़ के लिए बल्कि विद्यालयों में कुछ मूलभूत सुविधाओं की जो दिक्कत रहती है, जो कि अपने अपने चूँकि वहाँ के डिमांड्स बहुत है तो SMC के फंड से भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से टीम भी जाएगी जिसमें प्लम्बर वगैरह रहेंगे जो कि छोटी छोटी समस्याओं को इमीडिएट निदान कर देंगे। और जो मेन पर्पस हमारा है कि जो हमारे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 स्टार में जो ग्रेडिंग किया गया है स्कूलों का, वो सब अपने अपने प्रमोशनल एस्पेक्ट के दृष्टिकोण से अपना काम करवाएं। जैसे अगर 1 स्टार है तो 2 बन जाए, 2 है तो 3 बन जाए, इसी तरह से सक्सेसिवली उनको एक एक गोल की तरफ, एक आदर्श की तरफ जो है उनको काम करना है, अपने आप को बेहतरीकरण करना है। बच्चों के बीच में हेल्थ एंड हाइजीन का, बच्चियों के बीच में माहवारी को लेकर, उनके बेटर प्रैक्टिसेस को लेकर, हर तरह के दृष्टिकोण से इसको बेहतर बनाना है, समाज को थोड़ा स्वस्थ, स्वच्छ और बेहतर बनाने के दिशा में एक अच्छी पहल है। थैंक यू सर। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।